बॉलीवुड की खुली पोल, बॉलीवुड की चोरी आई फिर से सामने। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जैसा। फिर आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंत में रहेगा एक सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक गिफ्ट हैम्पर। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी खबर की ओर। बॉलीवुड स्टार वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और नीतू कपूर की फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर रविवार यानी 22 मई को रिलीज हो गया है। फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट के अलावा पंजाबी सॉन्ग नच पंजाबन इस ट्रेलर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ट्रेलर आउट होने के बाद से ही ये पैपी सॉन्ग लोगों के जुबा पर चढ़ गया है। एक तरफ जहां इस ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये विवादों से घिरता ही जा रहा है। दरअसल पाकिस्तानी सिंगर अबरार उल हक ने दावा किया है कि ट्रेलर में इस्तेमाल किया गया गाना नच पंजाबन उनका है। इतना ही नहीं, प्रोड्यूसर फिल्म मेकर करण जौहर और उनकी टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी सिंगर ने धमकी दे डाली है। सिंगर का कहना है कि सॉन्ग का इस्तेमाल करके उन्हें उचित क्रेडिट देना चाहिए। रविवार 22 मई को अपने ट्विटर अकाउंट पर सिंगर गीतकार ने लिखा है कि मैंने अपना गाना नच पंजाबन किसी भी भारतीय फिल्म को नहीं बेचा है। मैंने इसके राइट्स रिजर्व रखे हैं ताकि मैं हर जाने का दावा करने के लिए अदालत जा सकूं। करण जौहर जैसे फिल्म मेकर को कॉपी गानों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये मेरा छठा गाना है जिसे कॉपी किया जा रहा है। सिंगर ने अपने अगले ट्वीट में लिखा है कि नच पंजाबन गाने का लाइसेंस किसी को नहीं दिया गया है। अगर कोई दावा कर रहा है तो समझौता करे, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। बता दें कि अबरार ने यह गाना 2000 के दशक की शुरुआत में गाया था और ये पूरे साउथ एशिया में काफी फेमस भी हुआ था। अबरार उल हक ने अपने ट्वीट में करण जौहर और धर्मा मूवीज को टैग किया है। सिंगर के आपत्ति जताने के बाद लोगों ने बॉलीवुड पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। यूजर्स का कहना है, क्यों बॉलीवुड म्यूजिशियंस के लिए ओरिजिनल ट्यून्स के साथ आना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? लोग बॉलीवुड की क्रिएटिविटी पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो हमारा आज का सवाल ये है कि अनिल कपूर के फादर का नाम क्या है? वहीं जहां एक तरफ इस पूरे विवाद पर अभी तक फिल्म मेकर करण जौहर की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, तो वहीं दूसरी ओर इस विवाद के बढ़ने के बाद टी सीरीज को इस मामले में अपनी सफाई देनी पड़ी, जिसमें टी सीरीज ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया है और कहा है कि सॉन्ग नच पंजाबन जो 1 जनवरी 2002 में आईट्यून्स पर रिलीज हुआ था, उसके राइट्स हमने लीगली अक्वायर कर लिए हैं और जब सॉन्ग रिलीज किया जाएगा तब सारे क्रेडिट्स दिए जाएंगे। जुग जुग के सॉन्ग पर चोरी का इल्जाम और टी सीरीज के इस जवाब पर आपकी है क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सिनेमा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे थे फर्स्ट इंडिया फिल्मी।